तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए का एक्स कंपोनेंट जो है उसके साथ आई कैप लगा हुआ है, उसका जो वाई कंपोनेंट सॉरी उसका जो वाई कंपोनेंट है उसके साथ जे कैप लगा हुआ है, और उसी का जो जेड कंपोनेंट है दैट इज ए जेड उसके साथ के कैप लगा हुआ है। इतना क्लियर है सबका? यस ठीक मैम, है। और ऐसे अगर मैं बी के लिए लिखूं तो ये मेरा बी का एक्स कंपोनेंट विद आई कैप, बी का वाई कंपोनेंट विद जे कैप एंड बी का जेड कंपोनेंट विद के कैप है। अब जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे को एक्स का एक्स में ही ऐड करना है, तो आई कैप के साथ मैं ऐड करूंगी 2 और 8 को, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। फिर जे कैप में जे कैप ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 5 8 जे कैप, और जब मैं के कैप का ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा +4 - 3 1 के कैप। इस माइनस को इग्नोर मत करना, वो साथ में लगा हुआ है 3 के साथ, तो 4 - 3 करूंगी तो 1 बचेगा। अब अगर मान लो कि मेरे को सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो उसमें ही गलती होने के ज्यादा चांसेस है। उसमें आप ध्यान रखना जो पहले लिखा है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए वाले में से हमेशा बी को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे अगर मैं लिखू पहले एक्स वाला कंपोनेंट मतलब आई कैप, तो ए के साथ लगा हुआ है 2 और बी के साथ 8 लगा हुआ है, तो मैं 2 में से 8 को माइनस करूंगी, 8 में से 2 को मत करना। सिमिलरली फिर मैं जे कंपोनेंट की बात करूं तो मैं 3 में से 5 को माइनस करूंगी। अब जब जेड कंपोनेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखो ए के साथ तो 4 है, पर बी के साथ जब मैं देख रही हूं तो माइनस, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ये -3 है तो यहाँ पे -3 आएगा। उसको खाली 4 - 3 मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 - 8 मतलब -6 आई कैप, 3 - 5 -2 जी जे कैप। कैप, और यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस 7 कैप प्लस 7 कैप। 7 जे कैप। वेरी गुड। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो एक्स का एक्स में, ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाले को एक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अब जो पीछे कंपोनेंट फॉर्म है उसको समझते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने 3 वेक्टर लिए हैं ए बी और सी, और इन तीनों का एक्स वाई कंपोनेंट मैंने लिखा है एक्स बी एक्स सी एक्स। तो जब ऐड करेंगे तो आई कैप के साथ जो लगा हुआ है, जैसे यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, यहाँ सी एक्स है, पहले इन तीनों को ऐड करो और उसको आई कैप के साथ लिख दिया। फिर जो जे कैप के साथ लगा हुआ है उन तीनों को ऐड किया और उसको जे कैप के साथ लिखा है। सिमिलरली जेड वाले कंपोनेंट को के कैप के साथ, वही अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे ए में से बी को, तो ए का एक्स कंपोनेंट में से बी का एक्स को माइनस करेंगे। कभी भी ऐसे मत करना कि ए के एक्स में से आपने बी को माइनस, बी के वाई को माइनस करते हैं, वो गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम, यस ठीक है। मैम। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक, उसका आप खुद ट्राई करो आंसर निकालना। मान लेते हैं मेरे पास है ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 i कैप -4 j कैप +12 k कैप, और बी वेक्टर है 7 j कैप -5 k कैप। अब आई कैप वाला कंपोनेंट नहीं है बी में, मतलब वो क्या है 0 है। अब ए प्लस बी फाइंड करना है तो कौन बताएगा ए प्लस बी क्या होगा? हैंड रेस कर सकते हो आप। ए प्लस बी फाइंड करना है, इजी सा क्वेश्चन है, जिसका हो जाए आप हैंड रेस कर देना। सिर्फ 2 का ही हुआ है, मुस्कान एंड रिया, बाकी लोग भी बताओ। ठीक है मुस्कान, चलो आप आंसर बताओ क्या आएगा। मुस्कान गजता, राइट, यस मैम। हाँ बताओ आंसर क्या आएगा। मैम 3 i कैप हाँ +0 i। प्लस 3 i कैप +0 i, हाँ बिल्कुल सही। प्लस मैम ये मेरे
प्लस फोर माइनस फोर जे माइनस फोर प्लस सेवन जे। आप आंसर बताओ, ये तो कंपोनेंट फॉर्म में आप बता रहे हो, जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? सिल्की शर्ट थ्री आई जे कैप। हाँ अच्छा ओके, थ्री आई आई कैप माइनस थ्री जे माइनस थ्री जे और के वाला कंपोनेंट क्या होगा मुस्कान? मैम प्लस एट के कैप। अच्छा अभी मुस्कान ने आंसर बताया है, अब आंसर मेरे को बताएगी सिल्की शर्मा, क्या ये आंसर करेक्ट है सिल्की? यस मैम। हाँ आंसर करेक्ट है जो उन्होंने बोला है मुस्कान ने कि थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप और प्लस एट के कैप, क्या वो आंसर करेक्ट है? नो मैम। आप बताओ आंसर क्या आएगा फिर? असल की आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या आंसर आएगा? ओके रिया शर्मा आप बताओ आंसर। मैम एट की जगह सेवन आएगा। एट की जगह सेवन आएगा, बाकी सब करेक्ट है? नो मैम। हाँ बोलो पूरा आंसर बताओ, चलो जो भी आपका आ रहा है। हाँ आंसर बोलो भाई। मैम थ्री आई कैप माइनस थ्री जे माइनस सेवन के। अच्छा चलो अब किसी का भी करेक्ट नहीं है अभी तक, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है सब लोग की। कैलाशो आपके एक साइन की गड़बड़ है, जब हम आई को आई में ऐड कर रहे हैं तो थ्री प्लस जीरो थ्री हो जाएगा, थ्री आई कैप, फिर माइनस फोर और सेवन, तो ध्यान दो जब हम ऐड करते हैं साइन बड़े वाले का आता है तो प्लस का आएगा, प्लस और माइनस साथ में मिलके क्या बच जाता है? माइनस माइनस, तो सेवन माइनस फोर तो मेरे पास आ गया। ऐसे अब जब लास्ट वाली टर्म है तो उसमें है ट्वेल्व माइनस फाइव, ट्वेल्व में से फाइव माइनस करेंगे तो साइन फिर से बड़े वाले का आएगा दिव्यांशी, और बड़ा वाला कौन सा है? ट्वेल्व है, तो यस मैम सेवन के कैप, आपने माइनस के कैप बोला था इसमें। अब अगर ए प्लस बी समझ जाए सबको तो ए माइनस बी ट्राई करो कि ए माइनस बी क्या होगा, और अब देखते हैं अब कौन आंसर सही बताएगा। मुस्कान हो गया आपका? जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर सकते हैं। पलक धीमन आप क्लास में हो? पलक धीमन यस मैम। हाँ आप बताओ आंसर क्या होगा, आप ट्राई करो। आंसर ट्राई करो पलक, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो मैं हेल्प करूंगी। आरुषि आप बताओ। चलो थ्री आई कैप माइनस इलेवन जे कैप माइनस सेवनटीन के कैप, बिल्कुल करेक्ट है आरुषि। देखो कैसे आएगी, जब हम पहले आई कैप का कंपोनेंट लिखेंगे तो ए में आई के साथ क्या लगा हुआ है? थ्री, और बी वाले में जीरो है तो थ्री में से जीरो माइनस करना है। फिर जब जे कैप वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ए के साथ जे में क्या लगा हुआ है? माइनस फोर। अब माइनस फोर में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? बी का जे वाला, वो है यहाँ पे सेवन, तो माइनस फोर माइनस सेवन। फिर जब के कंपोनेंट की बात आएगी तो मैं यहाँ लिख दूंगी के कैप, और उसमें क्या करेंगे? ए में के साथ है ट्वेल्व, तो ट्वेल्व में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब सब्ट्रैक्ट क्या करूंगी? माइनस फाइव। अब यहाँ जैसे गुड इवनिंग रिया, तो
तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट महक गुड इवनिंग महक, हाँ जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया थ्री आई कैप माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, फोर और सेवन प्लस हो गया यहाँ पे इलेवन आ गया, तो इलेवन जे कैप। और यहाँ पे भी माइनस माइनस है, ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये कैसे ऐड है फिर? यस मैम, यस मैम। लोग आंसर नहीं कर रहे हैं जैसे पलक एंड बाकी सब लोग जो ना डाउट हैं उनके लिए भी है, अगर प्लीज क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम, नो मैम, नो मैम। हाँ बोलो सिल्की मैम, यहाँ पर जो थ्री आई क्या उसके बाद माइनस वहाँ पर तो सिल्की आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर दो डाउट। तो हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि x का कंपोनेंट x में ही ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर उसके अलावा किसी और के साथ कर रहे हैं तो मतलब हमने गलत करा है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि मेरे को फाइंड करना है ए प्लस टू बी प्लस सी। अब अगर a प्लस बी प्लस सी होता तो आप इजीली कर लेते हैं। मैम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कोमल। अब अगर हमें 2b फाइंड करना है तो 2b में क्या करेंगे, हमें पता है b कैप है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब जैसे ही 2b आएगा इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसके हर एक पार्ट को, 3i कैप माइनस 11j में माइनस क्यों होगा, क्वेश्चन में तो प्लस एच है। एक सेकंड सिल्की, आप यहाँ वाला माइनस पूछ रहे हो, माइनस इलेवन जे? यस मैम। देखो जब यहाँ पे मैं करूंगी प्लस तो साइन बड़े वाले का लगेगा, बड़ा कौन सा है, सेवन है, उसके साथ माइनस साइन है, तो उसका मतलब ये है प्लस जे माइनस इलेवन। अब इस माइनस को मैं बाहर भी लगा सकती हूँ, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ तो फाइनल मेरे पास माइनस ही बनेगा। ठीक है सिल्की, डाउट क्लियर है कैसे आया यहाँ पे माइनस? ओके मैम। मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, बस वो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया इसलिए माइनस लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही टू बी करूंगी तो मैं हर एक पार्ट को डबल करूंगी, जैसे आई के साथ थ्री लगा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आई कैप। ऐसे ही जे वाले को भी 2 से करूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जे कैप। ऐसे ही के वाले को, तो मेरे पास अब 2b वेक्टर क्या आ जाएगा, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया 2b वेक्टर। अब आप तीनों को ऐड कर सकते हो, a 2b और c को ऐड कर सकते हो तीनों वेक्टर्स आप। Yes, ma'am. बस हाँ, अब मेरे को बस इतना बताओ चलो कि अगर तीनों को ऐड करेंगे तो आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, सिर्फ आई कैप वाला बता दो। 6 ओके, और 6 किसने बोला है, आरुषि, आरुषि ने 6 बोला है। अब मैं 2b वेक्टर का 6 नहीं पूछ रही आरुषि, मैं पूछ रही अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो i कैप के साथ क्या आएगा, 8 i कैप, 8 i कैप। दिव्यांशी ने भी 8 ही बोला है, 9 आएगा। देखो a वाले में i कैप के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, उसके बाद a के बाद क्या ऐड करना है, 2 भी ऐड करना है, 2b वाले में 6 लगा हुआ है, फिर सी वाला ऐड करना है, सी वाले में यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 9 आई कैप। समझ आया सबको 9 कैसे आया है, जो 6 एंड 8 बोल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आप जे का भी कंपोनेंट निकाल सकते हो और के का भी। अब उसने पूछा है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड,
अब मेरे पास लास्ट में कुछ वेक्टर आएगा, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोई वेक्टर आ गया। अब उसने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? अंडर रूट किसका करोगे, ये जो सारे कंपोनेंट है इनका स्क्वेयर करके ऐड कर दोगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ऐड कर दिया, और उसके बाद आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड एक ही है, वो गलती से हम स्प्रिंट है, टू और थ्री नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन है टू। इसमें हमारे पास फोर्सेस हैं तीन, F1, F2, F3। तो अब देखो जैसे एक फोर्स आ गया उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ। जिसके साथ थीटा लगा होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे F1 कॉस थीटा ऊपर आएगा या नीचे वाला आएगा? नीचे वाला। थीटा कहाँ लगा हुआ है दिव्यांशी? 53। ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ? मैं ऊपर। तो ऊपर वाले के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, F1 कॉस 53। ठीक है, याद रखना जहां पे भी थीटा है वहीं पे कॉस लगाना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका F1 साइन 53। ये समझ आया सबको कैसा है? यस मैम। मैंने बस एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे ही अब F3 है उसको भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, एक आ जाएगा इस डायरेक्शन में और एक आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तब मेरे को बताओ नीचे वाला कॉस होगा या साइड वाला? नीचे वाला। नीचे वाला होगा क्योंकि नीचे वाले में 37 लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा F3 कॉस 37 डिग्री, और ये वाला आ जाएगा F3 साइन 37। अब ऐसे ही मेरे पास F2 आया, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ फिर से। तो अब जैसे ही मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया तो एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा। अब मेरे को बताओ अब कौन से वाले में कॉस आएगा, साइड वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले में। साइड वाले में आएगा सिल्की या नीचे वाले में? साइड वाले में। साइड वाले में आएगा। दिव्यांशी देखो आप ध्यान रखो 45 कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो जहां भी एंगल मैच कर रहा है वहीं पे कॉस आएगा, तो यहाँ पे F2 कॉस 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। दिव्यांशी क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। और ये अपोजिट वाली साइड क्या आ जाएगा? F2 साइन 45 डिग्री। अब इतना आप लोग को समझ आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब जैसे आपको ये वेक्टर निकालना है तो आप कैसे करोगे? आप जैसे यहाँ पे मेरे पास ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। अब जो फोर्स पॉजिटिव एक्स साइड जा रहे हैं, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हो उसे 2i कैप। वहीं अगर मैं लिख रही हूँ 2 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो आप इसे लिखोगे -2i कैप। अगर डायरेक्शन उल्टी हो रही है तो यूनिट वेक्टर भी उल्टा हो रहा है। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। वहां पे जो अलग अलग फोर्स आ रहे हैं यहाँ पीछे, उसमें आप ध्यान दो जो राइट साइड वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही जो वाई में ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव जे हो जाएंगे, वही नीचे वाले और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव आई और नेगेटिव जे हो जाएंगे। फिर आप उनको बस ऐड कर सकते हो, आई को आई में, जे को जे में, और जो फाइनल आएगा उससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। आप किसी को आता है 53 डिग्री और 37 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं? आता है किसी को कि कैसे निकालते हैं अगर मेरे पास 37 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है और 57 डिग्री की? मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक ट्रायंगल होता है 4/5 करके, हाँ ऐसे करके। देखो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं,
राइट एंगल ट्राइंगल ये है 3, 4, 5। तो जो ये वाला एंगल होता है 4 के साथ वाला, वो होता है 37 डिग्री। अब 90 में से और 90 को आप 37 से ऐड करोगी तो आपके पास आ जाएगा 127 डिग्री। और जैसे ही आपने 180 जो थ्री साइड्स थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल का उसमें से माइनस किया, आपके पास बचेगा 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल 53 साइज का हो गया। इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. और इस ट्राइंगल के लिए फिक्स होती है साइड्स, कि ये साइड होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5। अब आपको जो निकालना है, जैसे मान लो आपको cos 37 निकालना है, तो 37 के लिए बेस क्या है, ये वाली साइड है और हाइपोटेन्यूज ये, तो cos 37 आप निकाल सकते हो 4/5 करके। ऐसे ही आप tan 37 या cos 53 निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, cos 53 अगर निकालना है तो बेस क्या होगा? 53। cos 53 में बेस क्या होगा? 3 हो जाएगा। देखो जिस साइड पे एंगल होता है उसके साथ में ही बेस होता है और उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये याद रखना, अगर यहाँ पे एंगल है तो उसके साथ वाला हो जाता है हमेशा बेस और उसके अपोजिट साइड आ जाता है परपेंडिकुलर। तो ऐसे आप इस ट्राइंगल से आप 37 और 53 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें 37 डिग्री 53 डिग्री गिवन था। तो साइन अगर आपको निकालना है, कॉस निकालना है, तो उस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना जब नेक्स्ट क्लास होगी। इनकेस नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना, मैं प्रॉपर सॉल्व करवा दूंगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम दो तरीके से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का मतलब है दोनों वेक्टर्स के बीच में बस एक डॉट लगा देंगे। क्रॉस का मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है वो लगा देंगे। पर ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई मत करना, ये बहुत अलग चीज है। दूसरी चीज, जो डॉट वाला होता है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस वाले को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अगर मैं दो क्वांटिटी है ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रही हूं, तो ये ए और बी तो वेक्टर है, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में स्केलर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के केस में। पर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर। ये बात समझ आ गई सबको कि दोनों में फर्क क्या है? यस मैम। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट से दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर मिलता है, वहीं अगर क्रॉस प्रोडक्ट से दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वेक्टर मिलता है। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। यहाँ पे जैसे मेरे पास है दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के जो बीच में एंगल है वो क्या है, थीटा। यहाँ पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो दोनों जो वेक्टर है उनका आप साइज लोगे, मतलब मैग्नीट्यूड लोगे, जैसे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और जो भी थीटा था उसका आप कॉस ले लोगे। जैसे अगर मैं कह रही हूं कि ए का मैग्नीट्यूड है मान लो 5 और बी का मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4, और आपको उसने बोला कि थीटा है 30 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, 5 × 4 × cos 30 डिग्री, और इससे आपके पास क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला समझ आया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। अब अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमें जब एंगल निकालना है मतलब हमें कॉस थीटा भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी को इस साइड डिनोमिनेटर में ले गए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंबल चेंज हो गया, उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड है, अगर आप खाली ए बी लिख रहे हो तो भी, और इसमें मॉड लगा हुआ है तो भी।
तो cos थीटा की एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर इसकी वैल्यू जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो cos कब होता है 1? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पे, मतलब ए और बी में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ऐसे cos थीटा की वैल्यू आ रही है 0 तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो भी एंगल 0 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे आप थीटा निकाल सकते हो कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से परछाई बोल सकते हो या शैडो बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ ए हम लोग क्या करते थे, कोई भी वेक्टर लेते थे आर, उसका कंपोनेंट बनाते थे आर कॉस थीटा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ए और बी वेक्टर है, हम बी का कंपोनेंट निकालते हैं ए डायरेक्शन में। जैसे वहां हम एक्स की डायरेक्शन में निकालते थे, या हम जो दो वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन में निकालते हैं कि बी की ए पे क्या परछाई है और ए की बी पे क्या शैडो है, ठीक है। और वो दोनों ही इस फॉर्मूले में है। जैसे जब मैं आर का वो निकालती थी प्रोजेक्शन, तो मैं क्या लिखती थी आर कॉस थीटा। सिमिलरली जब मैं बी का प्रोजेक्शन निकाल रही तो मैंने लिया है बी कॉस थीटा। और जैसे ए के डायरेक्शन में बताना है तो मैंने बस बी कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और वही अगर मेरे को ए का प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब ए कॉस थीटा, पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बी की, तो मैंने उसे बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो सिल्की। सिल्की आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम दोनों डायरेक्शंस में प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ये बात समझ आई, प्रोजेक्शन होता क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं बी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालू, या फिर मैं ये देखू कि बी का कितना पार्ट ए के ऊपर आएगा, वो मतलब है प्रोजेक्शन। जैसे हम प्रोजेक्टर को यूज करते हैं मूवीज में कि हम एक जगह से वीडियो दे रहे हैं और दूसरी स्क्रीन पे बन रही है, ऐसे मैं देखना चाह रही हूँ कि बी का क्या पार्ट ए पे बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, प्रोजेक्शन क्या होता है? Yes, ma'am. अब नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास सिल्की, मैम हाँ बोलो सिल्की, मैम आपकी पिछला समझ नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट में निकालते हैं ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड। और कॉस थीटा में जो थीटा है वो इन दो वेक्टर के बीच में बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये है थीटा, इधर वाला एंगल। अब हम लोग अगर इस ए बी को नीचे ले जाए तो हम कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब उसके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। उससे मैं निकालूंगी थीटा क्या क्या है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन है क्या ये कभी 2 हो सकता है? नो, ये 2 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1। अगर उससे ज्यादा है मतलब आपने गलत कर दिया है, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद मैंने बताया था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है एक की दूसरे पे क्या शैडो आ रही है। तो अगर मेरे को बताना है बी का प्रोजेक्शन, तो जिसका भी बताना है आप उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिसकी डायरेक्शन में बताना है फिर उसको भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर आपको बी का प्रोजेक्शन बताना था ए पे, आपने क्या किया, बी को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही मान लो आपको बताना है कोई रैंडम वेक्टर है m, और m का प्रोजेक्शन बताना है n पर, तो आप क्या करोगे, पहले जिसका बताना है उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर जिसकी डायरेक्शन में बताना है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे n के केस में। अब क्लियर है सबको? यस मैम। यस सर। यस मैम। सिल्की क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है? यस मैम।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ए का मैग्नीट्यूड 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है नीचे, तो हमें बताना है और हमें ये भी पता है कि उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ए का साइज गिवन है और हाँ हमें ए का साइज गिवन है 2, बी का साइज गिवन है 3 और थीटा गिवन है 60 डिग्री, और मेरे को बताना है ए डॉट बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाऊंगी। वो क्या होता है ए डॉट बी, अब आप लोगों को इतनी बार देखकर याद हो गया होगा क्या फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, अब इतना याद रखना जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तब तो ऊपर वेक्टर बनाओगी, पर आंसर में वेक्टर खत्म हो जाता है क्योंकि ये स्केलर बन जाता है। तो यहाँ पे आ गया ए बी कॉस थीटा। अब ए का साइज क्या गिवन है मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3, थीटा की जगह मैं क्या लिखूं 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 × 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो डॉट प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 आ गई। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अगर मैं अब आपको ये बोल रही हूँ मेरे पास 2 वेक्टर हैं, उन सपोज एम और एन वेक्टर हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है मान लेते हैं 3, और इनके बीच में एंगल दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ए का साइज बताया हुआ है 1, और बी का साइज बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 3, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ए का साइज है 1, बी का साइज बताना है। तो ऊपर के फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करते हैं। एक बार मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर आप लोग को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगी। क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, कौन बताएगा? 1 cos theta into b, 1 cos theta into b, और किसके इक्वल होगा ये? 3 के इक्वल होगा। देखो हमें यहाँ बोला गया है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 3, तो उसकी जगह बस मैंने 3 लिख दिया। फिर बोला गया है ए का साइज क्या है 1, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। फिर बी का साइज मेरे को निकालना है तो एज इट इज आ गया बी, और थीटा मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 लिख सकती हूँ मैं, और कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है 3/2। अम्मी को फटाफट बताओ यहाँ से कौन कैलकुलेट करके बताएगा बी की वैल्यू क्या आ रही है। बताओ वी की क्या वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में? 6/√2। 6/√2 तो नहीं आएगी, √2 कहाँ से आया आपका? √3। करेक्ट। देखो हमारे पास क्या आएगा 6/√3। अच्छा कोई अच्छा बच्चा इसको आगे सॉल्व कर सकता है? और 2/√3। 6 am, राहुल आपका नाम क्या है? रोहिन। तो हम लोग ऊपर वाले को देखो ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारे पास था 3 × 2 और अपॉन में था √3, तो जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में ऐसे ही हो कि डिनोमिनेटर में रूट। तो आप इस √3 से इस 3 को काट सकते हो? यस मैम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ऊपर √2 × 2 हमारा पूरा आंसर आ गया।
ये क्लियर है सबको कैसे आया टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री? अब यस यस मैम। ठीक है, तो आंसर वो भी सही था जो रोहिन ने दिया था कि 6/√3, और अगर उसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ए को बी में कर लो डॉट प्रोडक्ट, या बी को ए में मल्टीप्लाई कर लो। जो बेसिक मल्टीप्लीकेशन होती है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रॉस नहीं करता है। तो जैसे अगर 2 × 3 करूं, वो 3 × 2 के इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये है। दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि मैं पहले जैसे मेरे को करना है 2 × 3 + 4, तो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। या तो पहले इन दोनों को प्लस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 7 आंसर 14, या फिर मैं एक एक करके पहले दोनों को मल्टीप्लाई करूं। 2 × 3 कर दिया, उसके बाद 2 × 4 कर दिया, और जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देती हूँ। 6 + 8 आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। ये एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं है, मैं रैंडम जो नंबर्स हैं उससे कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे नहीं करना है। बोलो सिल्की। सिल्की आप बोल सकते हो आपको जो भी डाउट है। और जब तक हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट का मैक्सिमम होगा। तो जब मैं स्केलर प्रोडक्ट लिखती हूँ, मेरे पास आता है ए बी कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो ए और बी का प्रोडक्ट फिक्स हो गया। और सोनम बोलो क्या डाउट है? मैम फर्स्ट वाले का फिर से बता दो। फर्स्ट वाले का, कम्यूटेटिव वाले का? यस मैम। कम्यूटेटिव वाले का मतलब है जब आप बोलते हो 2 × 3, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। वही अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा सोनम? 6 आएगा। वही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करता है कि मैं ए इंटू बी का प्रोडक्ट लू डॉट, या फिर बी को ए में डॉट प्रोडक्ट करूं, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। क्लियर है सोनम? यस मैम। आप इससे भी समझ सकते हो कि मैं लिख रही हूँ एक बार ए बी कॉस थीटा जब ए डॉट बी ले रही हूँ, और दूसरी बार लिख रही हूँ बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह तो दोनों में सेम है, और ए भी नंबर होता है बी भी नंबर, ये भी नंबर है और ये भी नंबर, तब उन्हें सीधा मल्टीप्लाई करो या उल्टा मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको क्लियर है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी अब? यस मैम। ठीक है, अब देखो हम थर्ड पॉइंट पे थे कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। तो मान लेते हैं कि मैंने बोला ए, मैं मान लेती हूँ कि 5 साइज है मेरा, और बी है मेरा साइज 7। अब मैं अगर ए बी की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी ए बी की वैल्यू? 12 35। दिव्यांशी, ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई विद बी। अगर ए प्लस बी बोल रही हूँ तो 12 आएगा। ठीक है दिव्यांशी, जब तक प्लस नहीं लगा पाए और हम वेरिएबल साथ में लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है। अब अगर मैंने ए बी फिक्स कर दिया और ये थीटा मेरा चेंज हो सकता है, अब मैं पूछ रही हूँ थीटा में कितना करूं कि मेरे को मैक्सिमम आंसर मिले। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। हाँ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मेरे को आंसर मैक्सिमम चाहिए और ए और बी की वैल्यू फिक्स है, मतलब ये वाली चीज भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री। 90 पे 0 हो जाता है थीटा, जब 0 हो जाएगा तो वह मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे ही दो स्केलर प्रोडक्ट ले रही हूं मैं वेक्टर्स का, और उनके बीच में एंगल 0 हो गया तो आंसर मैक्सिमम मिलेगा मेरे को। अगर उसके अलावा कोई भी एंगल है तो आंसर छोटा मिलेगा उससे। और 0 डिग्री का क्या मतलब है? अगर इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आंसर जीरो कब होगा. तो अगर मैंने ए को फिर से फिक्स कर दिया फाइव और बी को फिर से फिक्स कर दिया सेवन और मेरे को आंसर जीरो करना है, तो मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया. और ये कब पॉसिबल होता है, जब थीटा क्या है, 90 डिग्री. करेक्ट. तो जैसे ही मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ जो परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास कॉस 90 तो जीरो हो गया. तो ये जो आंसर था वो उस केस में हमेशा जीरो होगा, चाहे ए 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो गया तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा. ये बात समझ आई है सबको? यस. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब थीटा जीरो डिग्री है, और मिनिमम नहीं, जीरो वैल्यू कब आती है, जब थीटा 90 डिग्री है. अब अगला पॉइंट क्या है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सेल्फ का मतलब है खुद से, डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर जो सेम है, जैसे यहाँ पे ए डॉट ए लिया है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा. तो अब देखो अगर ए वेक्टर इधर है तो दूसरा ए वेक्टर भी उधर होगा, क्योंकि ए थोड़ी बदल सकते जब मैं दोनों ही सेम ले रही हूँ. मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए अगर दोनों सेम चीज है, तो जीरो डिग्री. सेम ही डायरेक्शन में है तो जीरो डिग्री हो जाएगा. तो ये वाली टर्म में कॉस जीरो लिख दिया मैंने और वो तो वन हो जाएगा. और जहां पे मैग्नीट्यूड था वहां मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए, जो कि हो गया ए स्क्वेयर. कहीं भी डाउट है यहां तक किसी को इस पॉइंट में? नो मैम. ठीक है, अब मेरे पास आ गया ए स्क्वेयर. अब देखो उन्होंने क्या किया, ए स्क्वेयर क्या होता है, ए डॉट ए. अब अगर मेरे को ए का साइज बताना है कि ए कितना था, मैं क्या करूंगी, बस दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लिया, तो मेरे पास ए आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ ए डॉट ए वेक्टर. क्लियर है सबको ये? यस मैम. अब जो लास्ट उसको समझते हैं कि वो क्या कहता है, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ डायरेक्शंस एक्स और वाई. अब एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई में जे कैप. यहाँ पे मैंने बना दिया आई कैप, यहाँ पे मैंने बना दिया है जे कैप. अब मान लेते हैं एक आई वेक्टर और जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है आई कैप और जे कैप का, वन हो जाए. दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, ये भी वन और ये भी वन, और साथ में लगा होता है कॉस थीटा. अब बताओ आई और जे में कितना एंगल होता है हमेशा, कौन 90 परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे आएगा वन मल्टीप्लाई बाय वन कॉस 90. अब इसका आंसर कौन बताएगा, क्या आंसर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो वन है दोनों, पर कॉस 90 जीरो हो गया, तो आंसर मेरा जीरो आ गया. जीरो मल्टीप्लाई विद समथिंग इज जीरो. अब इस पॉइंट को इग्नोर करके हम करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर, दोनों के दोनों आई डायरेक्शन में ही है, और इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आई डॉट आई. अब फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड वन. अब कॉस थीटा में क्या, थीटा कितना हो जाएगा, दोनों आई कैप है तो जीरो डिग्री. सेम डायरेक्शन है, तो ये आ गया वन इंटू कॉस जीरो डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे लूंगी तो उसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी, के डॉट के लूंगी तो उसकी भी वैल्यू वन हो जाएगगी. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में ये कि होता है कि अगर मैं दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रही यूनिट वेक्टर का, तो आंसर वन आ जाता है. वहीं अगर मैंने एक्स वाले का वाई वाले के साथ ले लिया, या एक्स वाले का जेड वाले के साथ, या y वाले का z वाले के साथ, तो इन तीनों ही केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और आंसर मेरा जीरो हो जाएगा. बात समझ आई है सबको? यस मैम. यस मैम.
तो डॉट प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए आंसर वन आने के लिए, और जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया आंसर जीरो आ गया। तो यही पॉइंट यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, या कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा। पर अगर मैं 90 डिग्री वाले दो वेक्टर्स ले रही हूं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। अब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो याद रखो परपेंडिकुलर की जगह एक नई टर्म यूज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। तो जहां पे भी अगर ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है उसका मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर नहीं आएगा, वो बोलेगा इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो आपको खुद समझना पड़ेगा उसका मतलब है परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में बताया हुआ है, उससे पहले मैं आपको ये खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि होता क्या है। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया, ये पॉइंट मत भूलना कि हमारे पास सेम वाला आंसर वन आएगा और डिफरेंट वाला आंसर परपेंडिकुलर वाला आंसर जीरो हो जाएगा। अच्छा अब मेरे को ये बताओ आई डॉट के क्या होगा? जीरो। जीरो। के डॉट के? वन। तो इतना याद रखना कि i डॉट आई हो जाएगा मेरे पास वन, पर i डॉट k हो जाएगा जीरो। अब मान लेते हैं मैं दो वेक्टर ले रही हूँ यहाँ पे, a वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब b वेक्टर लेते हैं फिर से 3i कैप 4j कैप और 6k कैप, और मेरे को फाइंड करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है पर डॉट प्रोडक्ट से। तो मैं क्या करती हूँ इनको फिर से लिख देती हूँ 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बीच में यहाँ डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ पे बस डॉट लगा दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक डॉट प्रोडक्ट में, इसको प्लीज ध्यान से समझना। ये दोनों वेक्टर मैंने एज इट इज लिख दिए हैं और यहाँ पे डॉट लगा दिया है। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक टर्म पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होती है, जब आप अभी तक कर रहे थे कि अगर मैं कर रही थी x प्लस वाई इंटू थ्री प्लस जेड, तो पहले ये x वन थ्री से होता था फिर x z से होता था, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो आप लोग? यस मैम। है ना, सारी टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ऐसे यहाँ पे करते हैं, पहले ये जो पहली वाली टर्म है इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस पूरे के साथ, तो मेरे पास आएगा 2i कैप डॉट ये पूरी की टर्म एज इट इज। सिर्फ एक ही से आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। अब मैं क्या करूंगी, इनको भी एक एक करके कर सकती हूँ क्योंकि मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैं अलग अलग वेक्टर्स को ऐसे कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं करूंगी फर्स्ट टर्म y की 2i कैप डॉट 3i कैप, फिर सेकेंड टर्म क्या आएगी आप लोग बोलते जाओ, 2i cap plus 4j cap, 2i cap dot 4j cap, 4j cap. अब थर्ड टर्म क्या आएगी मेरी, 2i cap dot 6k cap, dot 6k cap. इतना आ गया सबका, सबको समझ आ गया? मैंने बहुत अब ध्यान दो यहाँ पे सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो आप नंबर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ 2 इंटू 3 है तो आप 6 लिख सकते हो, और वेक्टर को अलग रखो i डॉट i, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 8 i डॉट j। अब लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, 12 i कैप डॉट k कैप। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना लंबा करना नहीं है हर बार, क्योंकि अब जो मैंने एक्सेप्ट करूंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आई और जे, 0। इसकी वैल्यू 0। इसकी भी वैल्यू 0। आंसर क्या आया फर्स्ट वाली टर्म से, 6। तो इससे हमने क्या चीज सीखी कि जब मैं आई कैप वाली टर्म का डॉट प्रोडक्ट ले रही थी तो जे और के साथ करना तो वेस्ट था, क्योंकि आंसर
जो नॉन जीरो है वो सिर्फ आई वाली टर्म ही दे सकती है डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे। ये बात समझ आई है सबको? अगर जैसे ही मैंने आई का जे के साथ किया तो आंसर जीरो हो गया, आई का के साथ किया तो भी आंसर जीरो हो गया, पर सिर्फ आई का आई के साथ के टाइम पे ही आंसर वन आएगा। अब मेरे को बताओ, मैं थ्री जे का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो कौन सी टर्म के साथ वन आएगा? जे वाली के साथ, मतलब इस वाली टर्म का मेरे को बस इसके साथ लेना है, बाकी टर्म के लिए वो जीरो हो जाएगा। आप देख भी सकते हो फर्स्ट टर्म में जे डॉट आई है वो जीरो हो गया, फिर थर्ड टर्म में जे डॉट के है वो जीरो हो जाएगा। अब बताओ इस टर्म का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लू? सिक्स के साथ। क्या बोल रहे हो सोना? और कोई डाउट पूछ रहा था? नो मैम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया कि मेरे को आई का आई के साथ लेना है, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो अब इस क्वेश्चन का ना आंसर लिखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना, आई का आई वन हो गया और उनके साथ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स। फिर जे के टाइम पे आपको पता है थ्री जे का आपको लेना है फोर जे के साथ, तो जे डॉट जी वन हो जाएगा और बचा क्या 12। ऐसे ही के डॉट के वन हो गया और क्या बचा आपके पास 24। और यही मेरा फिर पूरा आंसर हो जाएगा, इसको बस ऐड करना है। क्लियर है सबको कैसे किया है मैंने? यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में बताऊं कि मैंने एक्चुअली में करा क्या है, मैंने क्या किया, ए और बी वेक्टर थे तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम में ए का एक्स कंपोनेंट बी के एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए का वाई कंपोनेंट बी के वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगी। ऐसे ही ए का जेड कंपोनेंट बी के जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा मेरे को आंसर मिल गया। सबको समझ आया है या नहीं आया है? मैं एक और एग्जांपल कराऊंगी। yes, yes, अब पीछे जो कंपोनेंट फॉर्म में है एक बार उसको देख लेते हैं। मैं इनको इरेज कर देती हूँ। तो यहां से अगर आप देखो, मेरे पास था ए वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर मैंने उनको इस फॉर्म में लिख के फिर डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब जैसे ही मैं ax bx करूंगी तो उनके साथ लगा हुआ है i डॉट i, पर ax by किया तो साथ में आ गया i डॉट j, फिर अगर ax bz किया तो i डॉट k आ गया। ऐसे ही बाकी सारी टर्म्स के साथ किया मैंने। अब मेरे को बताओ, अच्छा इनमें से मैं सारी टर्म्स को नंबर अगर मैं बताती जा रही हूँ तो कौन कौन सी टर्म इसमें जीरो होती जाएगी? 1, 2, 3, 4 ऐसे आप बता सकते हो। 2, 3, 4, 6, 7, 8। जिन टर्म में डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था वो टर्म जीरो हो गई, बाकी सबसे वन आ गया। तो मेरे पास क्या बचा, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, और आंसर में बस नंबर्स को ऐड करना है, कहीं वेक्टर नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मैं फटाफट एक क्वेश्चन दे देती हूँ फिर से। a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, और b वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। अब मेरे को बताओ a डॉट b में क्या आएगा, एक एक करके टर्म्स बताना। बोलो रिया, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 6i कैप। देखो अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट लेते हुए अगर आप 6 बोल रहे हो, आई कैप बोल रहे हो तो आई डॉट आई बोलो, ठीक है? अगर आपने आई कैप बोला मतलब आपका आंसर भी वेक्टर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट के आंसर में वेक्टर नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई है रिया? यस मैम। अब सेकेंड टर्म क्या आएगी? माइनस 20। माइनस 20।
आपने माइनस फाइव को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो यहाँ जे डॉट जे आ गया। फिर माइनस 42 सिक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस सेवन के साथ, हमारे पास आ गया माइनस 42। साथ में क्या लगाऊ मैं, खाली के कैप। अभी बार बार ये लिखना जरूरी नहीं है, के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट आई कैप। आप सीधा इसको वन भी लिख सकते हो, क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिक्स माइनस 20 माइनस 42, वो वेक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस डॉट प्रोडक्ट में एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई का वाई वाले के साथ, जेड का जेड वाले के साथ, बस और कुछ नहीं करना है। सबको समझ आया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देती हूँ, इस बार आंसर रिया नहीं देगी, कोई और देगा। ए है मेरे पास थ्री आई कैप जीरो जे कैप प्लस सिक्स के कैप, बी कैप बी वेक्टर है मेरे पास जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस एट के कैप, एट के कैप। बोलो दिव्यांशी। मैम फर्स्ट था जीरो आई डॉट आई, आई डॉट आई बोलने की जरूरत नहीं, आप खाली जीरो भी बोल सकते हो, आई डॉट आई वन हो जाएगा। जीरो प्लस सेकेंड टर्म जीरो जीरो प्लस थर्ड टर्म 48, तो हमारा आंसर क्या आ गया 48। ठीक है, हमने पहले थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, फिर जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो हो गया, फिर सिक्स को एट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 48। बस ये ध्यान रखना कहीं भी आई कैप जे कैप के कैप मत लिखना आंसर में, वो मल्टीप्लाई होके डॉट प्रोडक्ट होके वन बन चुका है। ठीक है? यस मैम। वाले का आंसर माइनस 56 आएगा। तो कौन से वाले का? मैम जो हमने पीछे किया क्वेश्चन। ये वाला? यस मैम। माइनस 14 माइनस 42 हाँ माइनस 56 करेक्ट। इस वाले का आंसर अगर किसी को चेक करना है तो माइनस 56 आएगा। अब आज तो वेडनेसडे हो गया, तो अब आपकी क्लास में फिर से एक वीक का गैप हो जाएगा, आप लोग को काफी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। तो ये डॉट प्रोडक्ट ना प्लीज रिवाइज करते रहना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जब आप आओगे मैं तब भी एक बार रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको याद आ जाएगी क्या करा था। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, आप वो ट्राई कर सकते हो, ये वाला कि हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो आप ये वेक्टर्स वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना, इनकेस हो जाता है तो अदरवाइज मैं करा दूंगी क्लास में। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। आपको पहले a में से 2b सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ वेक्टर आएगा मान लेते हैं m वेक्टर, फिर आपको a प्लस b फाइंड करना पड़ेगा, वो मान लेते हैं n वेक्टर आएगा, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एडिशन भी यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी यूज हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट भी। ऐसे ही फिर हमारे सेकेंड क्वेश्चन तो ईजी है, आपको सीधा स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है a और b का, और एंगल फाइंड करना है। थर्ड वाले में आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है अलोंग दिस वेक्टर। यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, जब ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है आप क्या फाइंड करोगे, पहले ए कॉस थीटा, फिर उसको बी के मैग्नीट्यूड से बस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना, और मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इन्हें डिस्कस भी कर लूंगी। ठीक है, फोर तक आप ट्राई कर सकते हो, फोर भी सिंपल है, ऐड करके फिर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। अभी मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू।